हेलो फ्रेंड्स दिस इज मनीष श्रीवास्तव हियर आई एम विथ अ न्यू इनिशिएटिव ऑन ज्योग्राफी क्लास सिक्स एन हम ज्योग्राफी की एन के ऊपर ये सीरीज लेकर आए हैं वैसे हम और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर लेकर आएंगे तो फर्स्ट सीरीज जो हमारी स्टार्ट हो रही है दैट इज ऑन ज्योग्राफी तो हम क्लास सिक्सथ एन के सभी स... चैप्टर्स को हम यहाँ पे कवर कराएंगे उनकी एक्सरसाइजेस भी इस लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में समझाई जाएगी और उनको मैं यहीं पे सॉल्व भी कराऊंगा आपको भी ट्राई करना है चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड देन आपको एक्सरसाइज के ऊपर भी क्वेश्चंस करने हैं, तो दैट विल वेरी हेल्पफुल फॉर कमांडिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो हम जोग्राफी को उठाएंगे सबसे पहले तो जोग्रफी क्लास सिक्स सेवेंथ इस तरह से हम आगे आगे स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे इन द सेम वे हम दूसरे सब्जेक्ट्स को भी डील करेंगे तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाला है दैट इज जोग्रफी क्लास सिक्स एनसीआर तो

कि जो एन सी में दिया हुआ है कई बार हमें क्लियरिटी नहीं होती है तो उसको मैं अपने एक्सपीरियंस से और आपको और भी इजी लुक्रेटिव वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा थर्ड चैप्टर इज मोशन ऑफ द अर्थ कि अर्थ के मोशंस कैसे हैं सीजंस का फॉर्मेशन कैसे होता है ये सभी चीज़ें हैं फोर्थ चैप्टर इज़ अबाउट मैप्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स कैसे पॉलिटिकल मैप थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं इनमें डिफरेंस कैसे होता है किस तरह से इसको रीड करते हैं तो दैट विल बी कवर्ड इन फोर्थ चैप्टर

The अर्थ इन दी सोलार सिस्टम तो इस लेक्चर को जो डील करने हैं हमको वो द अर्थ इन दोलार सिस्टम को पढ़ना है और जैसा एन सी आर टी आपने पढ़ा होगा वैसे ही ये भी चैप्टर रहेंगे लेकिन आपको और भी लूक्रेटिव वे में पढ़ाया जाएगा कि आप ईजिली जो है एन सी आर टी एस पे कमांड कर लें क्योंकि आपका एक बेसिक आपको कोई भी सजेशन देता है पढ़ने के लिए तो आपको सबसे पहले एन सी आर टी एस ऊपर कमांड करने के लिए बोला जाता है तो, तो विल वेरी हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग सब्जेक्ट तो इन द सेम वे हम लोग भी आपको यहाँ पे एनसीआर को बहुत जो है इजली वे में बहुत अर्थ इन दोलार सिस्टम तो फर्स्ट थिंग दैट इज अर्थ इन दोलार सिस्टम जो हमारा सोलार सिस्टम है उसमें अर्थ को अगर देखा जाए तो अर्थ इज दर्ड प्लान फ्रॉम दन जो हमारा सोलर सिस्टम इसमें अभी नियरली एट प्लान कहे जाते हैं तो फर्स्ट प्लैनेट जो हमारा मरकरी है सेकेंड वीनस है एंड थर्ड वन इज द अर्थ तो अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन एंड दी ओनली प्लेस दैट्स इनहेबिटेड बाई लिविंग बींग्स मतलब जहां पर लाइफ पॉसिबल है वो एकमात्र प्लैनेट कौन सा है तो दैट इज अर्थ तो अर्थ इज दर्ड प्लैनेट फ्रॉम दी सन एंड ओनली प्लेस दैट इनहेबिटेड बाई लिविंग बींग्स तो ये चीज आपको याद रखनी है और इट इज दिफ्थ लार्जेस्ट प्लान इन सोलर सिस्टम तो पूरे सोलर सिस्टम में अगर आपका पूछा जाएगा कि विच इज द फिफ्थ लार्जेस्ट दैट इज अर्थ एंड इट इज वर्ल्ड विथ लिक्विड वाटर ऑन द सर्फेस और बाकी जो भी प्लेट है उसमें लिक्विड फॉर्म में वाटर नहीं है क्योंकि वाटर आपका वेपर फॉर्म में भी रहता है आइस फॉर्म में भी रहता है सॉलिड फॉर्म में भी रहता है और आपका फ्लूड मतलब लिक्विड फॉर्म में भी रहता है तो इट इज दी वर्ल्ड विथ लिक्विड वाटर ऑन द सर्फेस तो यहाँ से हमारे दो पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट है सन से और जहां पे एक ओनली प्लेस है दैट इज इनहेबिटेड बाय लिविंग बींग्स इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लान इन दी सोलर सिस्टम एंड इट इज दी ओनली वर्ल्ड विथ लिक्विड वाटर ऑन द सर्फेस तो ये पॉइंट आपके अर्थ से क्लियर हो रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अमंग दल द फोर प्लैनेट क्लोजेस्ट टू दी सन अगर हम सन से प्लैनेट्स को देखेंगे तो सन के पास मार्करी भी है वीनस भी है अर्थ भी है आंधी मार्थ है तो इन सभी प्लैनेट्स में जो फोर नियरेस्ट प्लैनेट हैं सन से उसमें अर्थ इज द बिगेस्ट प्लैनेट अर्थ जो है नियर बाय फोर जो क्लोजेस्ट फोर प्लैनेट्स हैं सन के उसमें सबसे बड़ा कौन सा है तो अर्थ इज द बिगेस्ट वन तो यहाँ से हमारे चार पॉइंट्स क्लियर हो गए अर्थ थर्ड प्लैनेट है सन से जहाँ पर लिविंग बींग्स रहते हैं फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है लोरा, आ, सोलार सिस्टम में और ये ऐसा वर्ल्ड है जहां पर वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में सरफेस पे प्रेजेंट है और अगर हम क्लोजेस्ट की बात करें कि सन से जो, जो नियर बाय सा है तो Earth is the biggest planet. तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए अब इसके अलावा सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं तो सोलर सिस्टम क्या होता है तो उसको थोड़ा सा देखते हैं तो सोलर सिस्टम स्टार इसमें stars दिखते हैं आपको सन दिखता है द बाय ग्रेविटी और जो सोलार सिस्टम में सभी प्लैनेट्स आपस में एक तरह का कोरिलेटेड है एक एलोंगेटेड पाथ में मूव हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या थ्योरी काम कर रही है तो ग्रेविटी के कारण ये आपस में अटैच है और एक सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं मेनली हेडेड बाय सन तो सन के कारण वर्ल्ड जो बना आपका सोलार बना और सोलार के कारण ये पूरा सिस्टम जो है ये सोलार सिस्टम कहलाता है तो बेसिकली सोलर सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा तो बहुत इजीली अगर हम समझे तो सोलार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टार सन एंड एवरीथिंग बाउंड टू इट बाई ग्रेविटी और भी जो चीजें जो ग्रेविटी के कारण उसके नियर बाय बाउंडेड है दैट क्रिएट अ सिस्टम नोन है सोलार सिस्टम इसके अलावा प्लानिट्स कौन कौन से हैं तो द प्लैनेट्स मर्करी वीनस अर्थ मार्थ जुपिटर सैटन यूरानस एंड नेपट्टून ट जिसको बोना ग्रह भी कहा जाता था जिसको इंस्ट्रूमेंट जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन था उसने प्लूटो को पहले हम लोग नाइन प्लान पढ़ते थे अभी के स्टूडेंट्स तो एट प्लान पढ़ते हैं लेकिन आप अग, अभी से अगर हम 2006 में जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग हुई थी उससे पहले हम कंसिडर करते थे नाइन प्लानिट्स लेकिन

स्टार्ट तो फर्स्ट थिंग ओवरव्यू की बात करें तो आप सोलार सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नाइट का थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपने नाइट में स्काई देखा होगा तो एट द नाइट द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स सम आर ब्राइट अदर आर डिम जब भी आप रात को आसमान देखते हैं स्काय पे देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें शाइनिंग दिखती हैं टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं कुछ ब्राइट होते हैं कुछ डिम होते हैं कुछ ट्विंकल करते हुए दिखते हैं कुछ चमकते हुए दिखते हैं दे ऑल एपियर टू बी ट्विंकलिंग वहां पे ट्विंकलिंग आपको फील होगी तो अब मून ऑकर्स वन इन अबाउट अ मंथ टाइम कॉल्ड फुल मून नाइट पूर्णिमा अ फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट सी द मून एट ऑल विच इज कॉल्ड न्यू मून नाइट और अमावस्या तो आप स्काई में स्टार्स तो देखते ही हैं, बहुत सारे ट्विंकलिंग चीजें दिखती हैं आपको साथ साथ आपको मून भी दिखता है लेकिन मून आपको एक ही शेप में नहीं दिखता है कभी मून आपको बहुत बड़ा दिखता है कंप्लीट मून दिखता है जिसको आप फुल मून कहते हैं पूर्णिमा कहते हैं उसी के 15 डेज बाद आपको

मून जो है अर्थ का एक तरह से सैटेलाइट है और जैसे कि हमारी अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है वैसे ही मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है तो हम लोग जो है अपनी पोजीशंस के हिसाब से हम जहां से मून को ऑब्जर्व करते हैं रोज डेली नाइट को तो वो अपनी पोजीशन बदलता रहता है और वो जो सन से उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है वो भी चेंज होता रहता है इसलिए कभी हमें मून फुल दिखता है कभी हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता है तो उसी को हमने फुल मून नाइट और

काफी बड़ी है साइज में काफी हॉट है और साथ साथ वो किससे मिलकर बनी है तो दे आर मेड अप ऑफ गैसेस गैसे से मिलकर बनी है तो सेलेस्टियल बॉडी में आपका सन भी आएगा द मून भी आएगा एंड ऑल ऑब्जेक्ट शाइनिंग द नाइट सेलेस्टियल बॉडीज अब स्टार्स क्या होते हैं

उसका सन जो है वो काफी नियर है इसलिए हमें सन से हमको लाइट मिल रही है लेकिन जो दूसरे स्टार्स हैं वो हमारी गैलेक्सी से काफी दूर है तो वो जो सन है वो इतने दूर होने के कारण हमें सिर्फ एक पॉइंट साइज़ दिखते हैं एक ट्विंकलिंग साइज़ दिखते हैं जिसके कारण हम उसको रिक्नाइज नहीं कर पाते कि वो भी स्टार्स हैं लेकिन हमारा सन भी स्टार है और जो दूसरे स्टार्स हैं वो भी सन हैं लेकिन डिस्टेंस के कारण ये फिनोमिना हमें प्रॉपरली क्लियर नहीं होता है तो ये आपको चीज़ यहां से समझनी है कि सभी चीज़ें जो हैं वो स्टार्स ही हैं लेकिन आपका टाइम के साथ चेंज होने से इनके बीच में काफी जो है चेंजेस आ जाते हैं तो सन नियर बाय होकर आपका कहलाता है सन है लेकिन वो भी स्टार है और जो भी दूर स्टार्स दिख रहे हैं वो भी सन है तो ये चीज आप याद रखेंगे फिर है कॉन्स्टलेशन अभी कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं तो इन द नाइट स्काई वेरियस पैटर्न आर फॉर्म्ड बाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार कॉल्ड कॉन्स्टलेशन अब जब आपने रात को कभी स्काई देखा होगा तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स नजर आते हैं कहीं पर आपको सप्तऋषि दिखेगा कहीं उर्सा मेजर दिखेगा कहीं बिग बियर दिखेगा तो ऐसी जो चीजें हैं आपको ये जो ऑब्जर्व होती है इन्हीं को कॉन्स्टलेशन कहा जाता है तो ये नाइट स्काई में आपने अलग अलग शेप्स देखे होंगे कि ये उर्सा मेजर जो है आप अगर देखेंगे तो उर्सा मेजर स्काई में आपको दिखेगा जिसको सप्तऋषि भी कहा जाता है या बिग बियर भी कहा जाता है तो ये जो है ये कुछ टाइप के कॉन्स्टलेशन हैं आपको पोल स्टार दिखता है जो दैट आर फॉर्म बाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर और बिग बियर इसलेशन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी में अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इजली रिक्जेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि जिसको सप्त तो सेवन या ऋषि सेजेस कहा जाता है कि ये सात ऋषि हैं जो आपको आसमान में नजर आते हैं इसमें फोर एक तरह से तो इट इज तो तरह का पैटर्न है जो आपको पे दिखता है आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा इसके अलावा इन एंशियन टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद दी हेल्प ऑफ स्टार्स और पुराने समय में आज के टाइम पे तो आपके पास जीपीएस है आप मोबाइल्स के थ्रू डायरेक्शंस कर सकते हैं आप ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं आप नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं लेकिन पुराने टाइम में लोगों के पास ये सब जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो क्या यूज़ करते थे तो वो स्टार्स को देखते थे रात को और उसके बेसिस पर वो डायरेक्शन समझ पाते थे तो इन एंशियन टाइम्स पीपल यूज़ टू डिटरमिन डायरेक्शन ड्यूरिंग नाइट हेल्प ऑफ स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शन करते थे आप नॉर्थ डायरेक्शन रिक्नाइज कर देते थे और इट रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्का और ये रोज रात को आपको एक ही पोजिशन में देखेगा जिससे आप आज भी डायरेक्शन जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजिकल हेल्प नहीं है और आप उस टेस्ट करना चाहते हैं तो बाय दिस हेल्प आप जो है ईजिली इसको रिकोगनाइज कर सकते हैं अब नेक्स्ट जो है वो चीज है प्लैनेट्स जैसे अर्थ भी एक प्लैनेट है तो हमारा जो चैप्टर है दैट इज अर्थ इन दी सोलर सिस्टम तो इसलिए हमें प्लैनेट्स को भी समझना पड़ेगा तो प्लैनेट्स क्या होते हैं तो प्लैनेट्स आर आल्सो सेलेस्टियल बॉडी दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट अब आप जैसे कि हमने सेलेस्टियल बॉडीज में देखा था स्टार्स में देखा था तो यहाँ पे मैंने स्टार्स में बताया था स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट लेकिन प्लैनेट्स के पास क्या खुद की हीट एंड लाइट है नहीं है क्योंकि हमें जब सनराइज होता है तो हमें लाइट मिलती है अब आप सोचेंगे कि हमारे रूम में तो लाइट चल रही है लेकिन वो लाइट जो है वो नेचुरल लाइट नहीं है हमने एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया है हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से लाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो नेचुरल लाइट नहीं है तो प्लान आर सेलेस्टियल बॉडी दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट ना उनके पास खुद की हीट है ना लाइट है दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द

कहीं पर भी रुक नहीं रहे तो इसके कारण इनको वॉन्डर कहा गया ग्रीक वर्ड में तो प्लाने वर्ड वहां से प्लान फॉर्म हो गया अब बात करें अर्थ ऑन विच वी लीव इज अ तो जिस अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं वो एक प्लानट है इट गेट्स ऑल इट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट तो हम लोग जो मून को देखते हैं वो मून हमारी अर्थ की क्या है सैटेलाइट है तो सैटेलाइट अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सैटेलाइट क्या होती है तो सैटेलाइट इज ऑल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी दैट्स मूव अराउंड द प्लानट इन द सेम वे एज द प्लानट्स मूव अराउंड द सन जैसे कि हम बात करते हैं कि सन के अराउंड अर्थ मूव कर रहा है मार्स मूव कर रहा है मरकरी मूव कर रहा है वीनस मूव कर रहा है जुपिटर मूव कर रहा है सैटन मूव कर रहा है नेपट्टून मूव कर रहा है इन द सेम वे जो सैटेलाइट्स होती हैं वो प्लानट्स के अराउंड मूव करती हैं तो सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है दैट मूव अराउंड द प्लानट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड दिन तो ये चीज आपकी क्लियर हुई अब कुछ होती है नेचुरल सैटेलाइट कुछ होती है आर्टिफिशियल सेटेलाइट जैसे मून अर्थ की नेचुरल सेटेलाइट है लेकिन हमारी जैसे इनसेट भी है आई है एडू सेट है ये सब सेटेलाइट्स ह्यूमन मेड सेटेलाइट्स हैं तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स हो जाती हैं जिसके थ्रू हम वेदर कंडीशन को रीड करते हैं कि हमारे यहाँ साइक्लोन्स कब आएंगे हमारे यहाँ वेदर कैसा रहेगा हमारे क्लाइमेट कंडीशनस कैसी रहेंगी हमारी जो जी वगैरह होती है उसको जो मोबाइल कम्युनिकेशन हो रहा है जो हमारे लाइव टेलीकास्ट मैचेस होते हैं या बहुत सारी लाइव चीज़ें आती हैं आपको टी पे जो देख पाते हैं दैट इज

IRS, EDUSET, तो ये सभी चीजें जो है वो आपकी क्या है सैटेलाइट हैं तो आपको यहां से याद रखना है कि मून दैट वी सी इन इज अ दैटेलाइट ऑफ अर्थ एंड इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट इट इज अम्प कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट लाइक अवर अर्थ देर आर सेवन अदर प्लान दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम दी सन जैसे कि हमारा प्लान

पूरा सिस्टम है दैट इज सोलर सिस्टम तो द सन एट प्लानट्स सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स फॉर्म सोलर सिस्टम तो इस चीज से हमको पता चलता है कि हमारा सोलर सिस्टम किस चीजों से मिलकर बना है तो इसमें सन भी है एट प्लैनेट्स भी हैं सैटेलाइट्स भी हैं और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्ट्रॉइड्स हैं मेट्रॉइड्स हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम को क्रिएट करते हैं तो ये हमारा सोलर सिस्टम है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स क्या होते हैं तो इनको भी मैं डिटेल में आपको इसी लेक्चर में क्लियर करूंगा तो अभी हम लोग जो है एक एक करके चीजें क्लियर कर रहे हैं होप ये अभी आपको चीज समझने आई होंगी सभी इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे तो इनको आप प्रॉपरली सुनिएगा और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा तब जाकर आपको एक्सरसाइजेस जो है बहुत ईजिली वे में समझने आएंगे और उसके आंसर आप कर पाएंगे

कहलाते हैं इंटरनल प्लैनेट्स भी बोलते हैं इनको इनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है तो ये नियर बाय जो है सन के होते हैं तो ये इनर प्लैनेट्स हैं वेरी क्लोज टू द सन दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स और ये सब जो है रॉक से मिलकर बने तो इनको जो सेपरेट करता है ये इनर प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट से एक बेल्ट है दैट इज नोन एज बेल्ट ये आपको दिख रहा होगा ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद आ जाता है आपका जुपिटर सैटर्न यूरनस नेपट्टून और फिर ये आपका डॉर्फ प्लान प्लूटो है और उसके बाद भी एक बेल्ट है दैट इज कुपियर बेल्ट ये कुपियर बेल्ट जो है ये आपके प्लानिट्स

लिक्विड तो यह दो चीजें आपको नहीं भूलनी है कि दे आर मेडअप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड वाइल इनर प्लान आर मेडअप ऑफ रॉक्स अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी है कि एक जो ऑर्बिट होता है जैसे मर्करी 88 डेज लेता है इसका स्पिन अपनी एक्सिस में 59 डेज है जैसे अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो 365 डेज का है और अपनी एक्सिस में ये एक 24 फोर आवर्स लेता है 23 थ्री आवर्स फिफ्टी मिनट फोर सेकेंड तो उसको आप वन डे कहते हैं तो ऐसे ही हमारा जो वन डे है वो आपका मर्करी का फिफ्टी डे होता है वो स्पिन करने में फ़िफ्टी डेज लगाता है तो ये डेटा भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा तो ये ऐसे सभी के डेटाज आपको पढ़ने हैं तो भी आपको आपको आ रहे Next, अगर हम consider करें तो तो अब sun क्या है 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 जैसा मैंने आपको बताया था कि जो word है, ये soul, जो word आया है, ये ये आया आया से क्योंकि सोल जो होता है रोमन माइथोलॉजी में रोमन माइथोलॉजी में सोल बोलते हैं सन गॉड को मींस सोलर मींस रिलेटेड टू द सन और फैमिली ऑफ द सन इज देयर फोर कॉल्ड सोलर सिस्टम तो यहां पे आपको जो वर्ड मिला है सोलार वो कहां से मिला है सोल वर्ड से मिला है और सोल को रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड कहा जाता है और सोलार मींस होता है रिलेटेड टू द सन तो इसलिए ये हो गया पूरा सोलार सिस्टम तो सन इज देंटर ऑफ द सोलार सिस्टम इट इज ह्यूज काफी बड़ा है मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस और ये किससे मिलकर बना है हॉट गैसेस से बना है इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड दोलार सिस्टम ये पुल कर रहा है पूरे जो भी कॉम्पोनेंट्स इस सिस्टम के अंदर है तो दैट क्रिएट अ सोलार सिस्टम और ये ग्रेविटी के कारण होता है द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स यही सबसे बड़ा सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम में अब सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ तो सन का डिस्टेंस आप याद रखेंगे कितना है तो 150 किलोमीटर 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से अब मिलियन मीन्स क्या होता है तो मिलियन मीन्स होता है टेन लैक तो 150 फिफ्टी इंटू टेन लैख किलोमीटर्स जो है ये अर्थ से इतना डिस्टेंस है तो काफी दूर है ये अर्थ से तो भी हमें इतनी हीट मिल जाती है तो इसमें आपको समझने आ रहा होगा कितना सोर्स है ये हीट और लाइट का नेक्स्ट अगर हम कंसीडर करें दैट इज प्लैनेट्स तो देयर आर एट प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून जो अभी हमने मैप पे देखा था ऑल द एट प्लैनेट्स ऑफ दी सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ ये सभी प्लैनेट्स जो हैं सन के अराउंड मूव कर रहे हैं एक फिक्स्ड पाथ में दीस पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और ये पाथ्स को ही हम क्या कहते हैं ऑर्बिट्स कहते हैं मर्करी इज नियरेस्ट टू द सन एंड इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट जैसे अर्थ को 365 डेज लगते हैं मर्करी नियरेस्ट है तो उसको सबसे कम दिन लगते हैं 88 डेज में वो अपना एक कंप्लीट राउंड जो है इसके ऑर्बिट में मूव कर जाता है वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन वीनस को अर्थ का ही

शेप होता है वो एक अराउंड एक्सिस या ऑर्बिट में मूव करते हैं वैसा प्लूटो जो है पूरी कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा है जैसे अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे सेरेस 2003 थाउजेंड थ्री यू बी जैसा है तो इसलिए उसको डॉर्फ प्लानिट या बोना ग्रह कहकर उसको उससे उस लिस्ट से जो हमारी प्लानट्स की लिस्ट थी उससे उसको रिमूव कर दिया गया इसके बाद हम लोग कुछ डेटा रिलेटेड देखते हैं प्लानिट्स जो हमारे सोलर सिस्टम्स हैं उनसे रिलेटेड तो यहाँ पे जो मर्करी है मरकरी का जो डायमीटर है वो थर्टी वन हंड्रेड माइल्स है और डिस्टेंस जो है थर्टी सिक्स मिलियन माइल्स है और नंबर ऑफ मून्स मतलब सैटेलाइट्स इसके पास एक भी सैटेलाइट्स नहीं है और इसको रोटेशन में जो लगता है वन रोटेशन में डेज लगता है उसका ऑर्बिट जो है 88 डेज है मतलब अपनी एक्सिस पर ये कितने टाइम में मूव करता है तो अपनी एक्सिस मतलब एक पूरा जो सन का रेवल्यूशन करने में इसको 88 डेज लग जाते हैं जैसा अर्थ में देखेंगे आपको 365 डेज जो हमारा वन ईयर होता है एक साल लगते हैं अर्थ को पूरा सन के अराउंड मूव करने में इसको 88 डेज लगते हैं हमें थ्री डेज लगते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें वीनस को तो वीनस सेवेंटी माइल्स का डायमीटर है 67 मिलियन माइल्स है इसके पास भी कोई सैटेलाइट्स नहीं है में इसको 225 डेज लगाता है, है ये दूर है सन uh, से इसके पास एक सैटेलाइट है दैट इज मून 24 फोर इसको एक रोटेशन में लगते हैं और 365 डेज इसको रेवोल्यूशन में लगते हैं नेक्स्ट इज मार्स 4 टू 18 एट माइल्स 142 मिलियन माइल सन से डिस्टेंस है इसके पास दो सैटेलाइट्स है 24.4 आर्स इसका रोटेशन टाइम है और ऑर्बिट जो है 697 डेज है जुपिटर 89 89,400 माइल्स 483 मिलियन माइल्स काफी दूर है ये सन से इसके पास 16 मून्स हैं और 10 आर्स जो है इसका रोटेशन टाइम है और 11.6 इयर्स ईयर्स इसको सन के अराउंड मूव करने में लगते हैं सेटन 75,000 माइल्स सन से डिस्टेंस 88 एट मिलियन माइल्स इसके पास 20 मून्स हैं 10.4 पॉइंट आवर्स लगते हैं इसको रोटेशन में और 29.46 नाइन ईयर्स लग जाते हैं अर्थ के कंपैरेटिवली, जब ये सन का एक पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर पाता है यूरेनस 32,300 माइल्स है 1.8 बिलियन माइल्स है इसका सन से डिस्टेंस इसके पास 15 मून है और ये 17 आवर्स में एक रोटेशन करता है और 84 इयर्स लग जाते हैं इसको सन के अराउंड रेवोल्यूशन करने में नेपट्टून 32,300 माइल्स इसका भी डायमीटर है जैसे यूरेनस का है और ये 2.8 बिलियन माइल्स है बिलियन मीन्स होता है हंड्रेड करोड़ और इसके पास तीन मून्स हैं खुद के 18 टू 22 टू आवर्स लेता है और 165 सिक्सटी लग जाते हैं प्लूटो को इतना जरूरी नहीं है सन का आप डायमीटर याद रखेंगे एट लैक सेवेंटी थाउजेंड माइल्स है और ये डेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो रोटेशन एंड ऑर्बिट वाले जो डेटाज हैं ये आपसे पूछे जाते हैं तो इसको थोड़ा सा आप गो थ्रू कर लेंगे प्रॉपरली और यहाँ से आपको आंसर्स जो है इजिली बन जाएंगे एक्सरसाइज में मैं आपसे ये चीजें पूछूंगा तो उसको बहुत अच्छे से क्लीनली ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे लिए अर्थ है तो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लान टू दी सन थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से और इन साइज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इट इज स्लाइटली फ्लैट एट पोल्स और ये जो है फ्लैट है पोल्स की तरफ तो इसके कारण अर्थ का जो शेप है ये कई बार पूछा जाता है तो अर्थ शेप इज डिस्क्राइब एज जियोइड ये जो शेप है ये जियोइड है जो कि पोल्स के तरफ फ्लैटन है और इक्वेटर की तरफ बल्जी है तो इस पर्टिकुलर शेप को जो कहा जाता है जियोइड शेप कहा जाता है कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ जो ऐसी कंडीशंस जो कि फेवरेबल हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ऐसी किस प्लानिट पे हैं तो वो अर्थ पे हैं इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेजी इजेंशियल फॉर सर्वाइवल तो हमारे पास जो अर्थ के अंदर वाटर भी है एंड एयर भी है तो दैट्स वाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ एंड दैट इज फॉर इजेंशियल फॉर सर्वाइवल द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन जैसे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है दैट इज ऑक्सीजन तो अर्थ के ऊपर वो प्रेजेंट है दैट्स लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ ब्लू बिकॉज इट्स अपू थर्ड सरफेस इज कवर्ड बाय वॉटर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लानट इसको ब्लू प्लान क्यों कहा जाता है क्योंकि इट इज कवर्ड बाय सरफेस टू थर्ड

ट so ये हमें बाय है, है हमारे अर्थ के लेकिन सन काफी दूर है किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्स तो दिस इज द डिस्टेंस विच इज बिटवीन अर्थ एंड द मून द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट ट्वेंटी सेवन डेज अर्थ का जैसे uh, बोला जाए कि जो ये मूव करता है अर्थ के अराउंड इसको कितने डेज लगते हैं तो इट टेक्स 27 डेज एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन ये अपनी ही एक्सिस पर जो ये रोटेट करता है और रिवॉल्व करता है तो इसके रोटेशन को भी 27 डेज लगते हैं और इसको रेवोल्यूशन में भी ट्वेंटी डेज लगते हैं ये काफी यूनिक फीचर है तो इसलिए जो है आपको मून का एक ही फेस नजर आता है दूसरा फेस नहीं देख पाते हैं एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ ये जो है है अर्थ के साथ ही मूव करता रहता है तो हमें जो है बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ कि दिस इज अर्थ तो मूव जो मून जो मूव कर रहा है वो हमारे अराउंड इस तरह से एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो ये इस पॉइंट पे पहुंचने तक इसको 27 डेज लग जाते हैं लेकिन आप बोलेंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा जो है ये तो 15 15 डेज में होता है मतलब अमावस्या अगर इस टाइम पे जो फुल मून डे आया होगा उसके 15 डेज बाद जो है आपका न्यू मून डे आ जाता है मतलब अमावस्या आ जाती है और उसके फिर 15 डेज बाद आपकी पूर्णिमा आती है तो मतलब एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच में 30 डेज का अंतर होता है लेकिन यहां पे तो 27 डेज लिखा है क्योंकि अर्थ भी तो अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है और मून भी अपनी एक्सिस पे मूव कर रहा है तो यहाँ पर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में और रोटेशन करने में इसको 27 डेज तो लगते हैं लेकिन आपका अर्थ जो है वो आगे चला जाता है तो आपको वही सेम व्यू देखने के लिए अर्थ से मून को आगे आना पड़ता है तो इसमें थ्री डेज ज्यादा लग जाते हैं और ये थ्री डेज होने के कारण आपको लगता है कि थर्टी डेज में यह फिनोमिना रिपीट होता है लेकिन एक्जेक्टली ट्वेंटी सेवन डेज में अपनी पोजिशन पर आ जाता है उसके तीन दिन बाद ऐसी पोजिशन पर पहुंचता है जिसे आप अर्थ से इसको ऑब्जर्व कर पाए तो इसलिए जो है आपका मून का एक ही फेज दिखता है और दूसरा जो है ये थर्टी डेज में दिखता है तो ये दो एक फिनना जो मैंने यहां बताया इनको बहुत अच्छे से याद रखेंगे एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ एंड द मून डज नॉट हैव फेवरेबल फॉर लाइफ इसलिए मून के ऊपर जो है कोई भी कंडीशन जैसे ना एयर प्रॉपरली है ना वॉटर है जिसके कारण वहां लाइफ सपोर्ट नहीं होती है इट हैज माउंटेन्स प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट सर्फेस दीस का शेडो ऑन दून सर्फेस और जो माउंटेन्स प्लेन और डिप्रेशन है उसके कारण वहां पर शेडो क्रिएट होती है जो हमको मून के अंदर आपने कई बार देखा होगा तो उसमें आपको कई तरह के शेडोज दिखते हैं दैट शेडोज इज ड्यू टू माउंटेन्स प्लेन एंड डिप्रेशन ऑन इट सर्फेस टू होप मून का फिनोमिना आपको समझने आया होगा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एस्ट्रॉइड्स अब ये एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं एस्ट्रॉइड्स आर टाइनी बॉडीज दैट मूव अराउंड एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं है, जो किसके अराउंड मूव करती हैं ये सन के अराउंड मूव करती हैं और इनको अगर हम बात करें तो देर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर जो मैंने आपको एक बेल्ट बताया था कि ये कहाँ पर है तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट मैंने आपको मैप पर शो किया था कि इट इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर तो इसको आप याद रखेंगे कि एस्ट्रॉइड जो बेल्ट है ये मार्स और जुपिटर के बीच में है और ये इनर प्लानट्स को आउटर प्लानट से सेपरेट

अब मेट्रॉइड्स की बात करें तो ये क्या होते हैं मेट्रॉइड्स तो आपने कई बार देखा होगा टूटता तारा ऐसा आपने सुना होगा तो ये टूटते तारे एग्जैक्टली exactly कोई स्टार आपको आता हुआ नहीं दिखता है ये मेट्रॉइड्स होते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स व्हिच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स ऐसे स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स जो सन के अराउंड मूव करते हैं उनको मेट्रॉइड्स कहते हैं सम ट्राइड्स कम नियर दी अर्थ एंड टेंस टू ड्रॉप अपॉन इट कई बार ये मेट्रॉइड्स अर्थ के पास आ जाते हैं और यहां गिरने लगते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न तो जब ये मूव करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण एयर के साथ ये हीट अप होने लगते हैं क्योंकि कोई भी चीज में मूवमेंट होता है तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है और उसके कारण वो हीट अप होते हैं और बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं जलने लगते हैं इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट तो इसी को हम देखते हुए कहते हैं कि ये टूटता हुआ तारा आ रहा है समटाइम्स अ मेट्योर विदाउट बींग कंप्लीटली बर्न फॉल ऑन दी अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो और कई बार ये जो है कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता है और ये अर्थ पर आकर गिर जाता है जिसके कारण ये एक होलो सरफेस या क्रेटर कहा जाता है जिसको कि गिरने के के कारण एक कर देता है है अर्थ अंदर कि वहां पे कोई ब्लास्ट टाइप सा हुआ ये जो clusters होते हैं बहुत सारे को को इसी को आप क्या कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी जिसको आकाश गंगा भी कहा जाता है अवर सोलर इन एंशियन इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन स्काई और इंडिया में किया जाता था कि ये जो है रिवर की लाइट है जो कि स्काई में फ्लो हो रही है दस इट वॉज आकाश गंगा तो इसको अनाम आकाश गंगा दे दिया था जो मिल्की वे गैलेक्सी है अब आपके दिमाग में आएगा गैलेक्सी क्या होती है तो गैलेक्सी इज अज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे बिलियन ऑफ स्टार्स हो बिलियन मतलब हंड्रेड करोड़ इतने सारे स्टार्स हो और क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस हो उसको आप क्या कह देते हैं गैलेक्सी कह देते हैं देर आर मिलियंस ऑफ सर्च गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स और ऐसी ही बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो यूनिवर्स को क्रिएट करती हैं तो होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि मेट्रॉइड्स क्या होते हैं तो मेट्रॉइड्स जो हैं वो आपको यहाँ से आपने समझ लिया कि स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं ये अर्थ की तरफ कई बार गिरती हुई नजर आती हैं और ये बर्न हो जाती हैं तो इसलिए जो है आप बोलते हैं इनको कि टूटता हुआ तारा आ रहा है बट एक्चुअली वो मेट्रॉइड्स होते हैं इसके अलावा क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है हमारी जो सोलार सिस्टम है उसको उसी की जो गैलेक्सी है वो आकाशगंगा है और गैलेक्सी जो होती है वो ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स होती हैं जो क्लाउड्स ऑफ डस्ट और गैसेस को कैरी करती हैं और ऐसे ही जब मिलियन ऑफ गैलेक्सीज बनती हैं तो उससे यूनिवर्स का क्रिएशन हो जाता है इसके अलावा एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं जैसे हमने मून पढ़ा था तो मून पर जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने स्टेप किया था मून ऑन ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन सिक्सटी नाइन दैट वॉज नीलस्ट्रांग तो ये आप याद रखेंगे कि नील आमस्ट्रांग वॉज फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन मून ऑन ट्वेंटियथ जुलाई नाइनटीन तो ये बेसिकली कुछ चीजें हैं जो इस चैप्टर को मैंने आपको क्लियर करी हैं होप ये आपको समझने आया होगा इसके बाद वी आर मूविंग नेक्स्ट पार्ट दैट इज एक्सरसाइज तो बी रेडी फॉर दिस पार्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है एनसीआर क्लास का कि हाउ डज अ प्लान डिफर फ्रॉम अ स्टार आपको बताना है कि ये प्लान कैसे स्टार से डिफर होता है तो उसको मैं बताता हूं हाउ डज अ प्लान डिफर फ्रॉम अ स्टार तो प्लान जो है प्लान रिवॉल्व अराउंड अ स्टार

इसके पास खुद की लाइट और एनर्जी नहीं होती है ये रिफ्लेक्ट करता है जो भी लाइट जो, जो भी इसके नियर बाय स्टार है जो क्लोजेस्ट है उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है इसके अलावा स्टार एमिट इट्स ओन लाइट एंड एन एनर्जी स्टार खुद की लाइट जो है इमिट करता है और एनर्जी इसके अलावा प्लैनेट्स आर कम्पोज ऑफ रॉकी और, और गैशियस सब्सटेंस बट स्टार आर कंपोज मोस्टली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन जैसे हमारे अर्थ पे जो लाइट आ रही है वो सन से आ रही है और सन का जो फॉर्म ऑफ लाइट है वो किससे डेवलप हो रहा है तो वो आपका हाइड्रोजन और हीलियम में न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होता है उसके थ्रू जनरेट होता है इसके बाद प्लैनेट्स में भी एक्सट्रीमली कोल्ड और हॉट द टेंपरेचर ऑफ प्लैनेट डिपेंड ऑन द क्लोजनेस ऑफ स्टार जैसे-जैसे प्लैनेट्स का डिस्टेंस सन से दूर होता जाता है स्टार से दूर होता जाता है उनके अंदर एक्सट्रीम हॉटनेस और कोल्डनेस में डिफरेंस आता जाता है लेकिन स्टार जो है इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस वो हमेशा हॉट ही रहता है क्योंकि उसके अंदर ऐसी कॉम्पोजिशन है जिसके कारण वो हमेशा आपको हॉट मिलेगा लेकिन प्लैनेट्स डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन होप इसका आंसर आपको अच्छा लगा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय द सोलर सिस्टम आपको बताना है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोलर सिस्टम तो द सन एट ट as तो सैटेलाइटर आंसर ये हो जाएगा कि आपका बेसिकली जो सन है एट प्लान है सेटेलाइट है और, और भी अदर सेले बॉडीज हैं मेट्रॉइड एस्ट्रॉइड ये सब क्या फॉर्म करती है सोलर सिस्टम को फॉर्म करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑल द्लानट्स अकॉर्डिंग टू एयर डिस्टेंस फ्रॉम दन तो इसका आंसर जो है वो बेसिकली आपको और जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका डिस्टेंस के हिसाब से बताना है तो द प्लैनेट्स अरेंज एज पर द डिस्टेंस फ्रॉम द सन ये आपका जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया है आंसर मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है द प्लैनेट्स अरेंज करेंगे अगर हम सन से तो मर्करी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटन यूरेनस एंड नेपट्टून है इसके अलावा जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो फोर्थ क्वेश्चन है कि वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लानट अर्थ को यूनिक प्लानट क्यों कहा जाता है तो अर्थ इज अक प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम बिकॉज कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ जो लाइफ केवल सपोर्ट करने वाला प्लानट है दैट इज अर्थ तो दैट इज लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन दी अर्थ केवल अर्थ पे ही लाइफ फाइंड होती है फिर नेक्स्ट जो है अर्थ इज नाइदर टू हॉट

दी सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन इसके रेवोल्यूशन और रोटेशन का टाइम सेम होने के कारण अर्थ पर जो उसका पिक्चर आता है जो उसका व्यू आता है वो एक सिंगल साइड से ही आ पाता है तो ये रेवल्यूशन और रोटेशन जो ट्वेंटी सेवन डेज में है इसके कारण ये पॉसिबल होता है फिर जो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि वॉट इज द यूनिवर्स यूनिवर्स क्या है तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टूगेदर फॉर्म द यूनिवर्स अ गैलेक्सीज अस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज तो ये आपका

जो फिल अप है ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज इज द थर्ड एंड डैश इन सबको मैंने अभी पढ़ाया हुआ है आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझने आ रही होंगी द करेक्ट आंसर इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अंस्टलेन और ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी और मून इज क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू ओवर अर्थ एंड अर्थ इज दर्ड नियर डू नॉट है हीट एंड लाइट इनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं रहती है स्टार से लेते हैं नेक्स्ट जो है वो टिक दी करेक्ट आंसर है तो इसमें आपको बताना है द प्लेनेट नोन एस अर्थ ट्विन इज जुपिटर सैटन वीनस विच इज दर्ड नियरस्ट प्लान टू दी सन

है तो होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझने आया होगा अगर आपको ये हमारा इनिशियेटिव अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए और इस इनिशियेटिव को ज्यादा से ज्यादा लोगों से स्प्रेड करिए तो जाकर हम इसके आगे के जो चैप्टर हैं वो आगे बनाएंगे तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर